हेलो एवरीवन, वेलकम टू IFS. आई होप यू ऑल आर फाइन. आज हमारे साथ में कनेक्टेड है नेहा एंड शी हैज क्वालिफाइड CSINET लाइफ साइंसेस. सो लेट्स नो हर प्रिपरेशन जर्नी, जानते हैं कैसे तैयारी की थी एंड हाउ शी मैनेज्ड टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. लेट्स वेलकम हर. हाय नेहा, हाउ आर यू? हेलो मैम, आई एम फाइन. मैम मैम, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अ बिग कंग्रेचुलेशन टू यू डियर. प्लीज टेल थैंक मी, यू क्या स्कोर है, क्या रैंक आई है आपकी? मैम. मेरा स्कोर 102 था और रैंक 234. ओके, वंडरफुल. सो जब आपने एग्जाम अटेम्प्ट किया था उस टाइम या फिर उसके थोड़े टाइम के बाद में क्या लगा था आपको कि रिजल्ट आ जाएगा या डाउटफुल था? मैम, जब एग्जाम स्टार्ट हुआ था तो 5 to 10 क्वेश्चंस पार्ट सी स्टार्ट किया था मैंने पहले. तो 5 to 10 क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगा कि छोड़ दूं, मुझसे नहीं होगा, ये मेरे ओके, लायक नहीं है एग्जाम. लेकिन फिर विशाल सर की एक बात याद आई कि हाँ घबराना नहीं है. 5 से 10 क्वेश्चन जो हमारे स्टार्टिंग के होते हैं वो जी, हमें आने के लिए ही होते हैं. यस ओके, ओके, मैम, फिर मैंने स्टार्ट किया लंबी सांस लेके और मैम फिर मुझे मिल गए मेरे क्वेश्चंस. थोड़ा बात करते हैं आपके बैकग्राउंड के बारे में. आपने एजुकेशन कहाँ से किया है, क्या कोर्स किया है, थोड़ा बताएंगे प्लीज कि किस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया था एंड कहाँ से किया है? यस मैम. मैम मेरा मास्टर इन बॉटनी फ्रॉम KLTV PG कॉलेज रुड़की. एंड मैम मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ. दैट्स वंडरफुल. हाँ प्लीज कंटिन्यू. एंड मैम IFS से ही मैंने JRF के लिए तैयारी किया है. यस ओके, आई वंडरफुल. तो क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था? नो मैम, ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था. ओके, तो क्या लगता है आपको कि पिछले अटेम्प्ट्स में क्या गलतियां हुई थी जो इस बार आपने सुधारी है और आप रिजल्ट लाए हो? मैम मुझे फर्स्ट एंड सेकंड में यही लगा कि शायद मैंने कम यूनिट को टारगेट किया है, ओके क्योंकि जी, क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड आते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है. ज्यादा ओके ओके. यूनिट करेंगे तो हमारे पास चॉइस भी ज्यादा होगी तो आपके इस हिसाब से बार. आपको क्या लगता है आइडियली कितने यूनिट्स टारगेट करने चाहिए? मैम मेरे अकॉर्डिंग तो इस टाइम पे हमें ऑल 13 यूनिट टारगेट करना ही चाहिए, क्योंकि हमें बेसिक क्वेश्चंस बहुत मिलते हैं. अगर हम सब करेंगे तब हमें इसमें से बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो हमारे टाइम को भी बचाएंगे. ओके, नेहा प्लीज टेल मी, जितने भी हमारे बॉटनी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारे जो भी 13 यूनिट्स है CSIR के, कौन से यूनिट्स उनके लिए इजी हो सकते हैं, कौन से यूनिट डिफिकल्ट हो सकते हैं? मैम प्लांट फिजियोलॉजी तो इजी होगा, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, सेल बायो, मोल हाँ, बायो, ये सब लैब बायो को छोड़कर. मैम बताइए आपके लिए कौन से यूनिट सबसे आपको फेवरेट और आपको इजी लगे थे? मैम डेव बायो, प्लांट फिजियो, इकोलॉजी, इवोल्यूशन तो सबसे इजी है ही है मैम, वो तो हम आराम से कर सकते हैं. बायोकेमिस्ट्री भी अगर हम पढ़े हैं तो वो इजी ही होती है. ओके, तो अगर किसी को प्रिपरेशन अभी स्टार्ट करनी है तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि कौन से यूनिट्स पहले पढ़ना चाहिए, किसको थोड़ा बाद में पढ़ना चाहिए? मैम सबसे पहले तो सेल बायो और बायोकेमिस्ट्री, इन दोनों को हमें करना ही है फर्स्ट, क्योंकि सबको कनेक्ट करता है. और मेथड इन बायो भी हमें लास्ट में करना चाहिए जब हम ऑल यूनिट कवर कर चुके हों, क्योंकि वो सबसे कनेक्टेड है. उसके अलावा अगर हम बात करते हैं प्रिपरेशन टाइम की, तो क्या आपको याद है कि आपका रूटीन क्या होता था पूरे दिन का? कितने दिन आप सॉरी कितना टाइम आप प्रिपेयर करते थे, कितने टाइम्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे, ये सारी चीज? मैम लाइव में 2 लेक्चर्स होते हैं हमारे डेली, ओके, और उससे अलग मैम मैं 4-5 घंटे अलग देती थी, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना होता है और डीपीबी सॉल्व करनी होती है, तो मैम 4 से 5 घंटे मैं अलग से देती थी. ओके, वंडरफुल. और जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो इतने सारा सिलेबस है, उसमें इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी होती है, जैसे कि एंजाइम्स के नाम हो सकते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज हो सकते हैं, बहुत कुछ होता है जो आपको सिर्फ लर्न करना होता है, मेमोराइज यस करना होता है. तो वो उन चीजों को कैसे याद रखा जाए लॉन्ग टर्म? मैम, उसका तो बस एक ही की पॉइंट है कि बार बार रिवीजन किया जाए. 1 वीक में एक यूनिट को आप रिवाइज करना ही है, और लास्ट में जब एग्जाम आता है तब बस रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन. ओके, वंडरफुल.
व्हेन वी टॉक अबाउट दी प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, मुझे लगता है कि पार्ट बी तो हमारा मेमोरी बेस्ड है, बट पार्ट सी काफी चैलेंजिंग हो सकता है. तो पार्ट सी में क्वेश्चंस को टारगेट करने के लिए क्या क्या तैयारी पहले से करनी चाहिए? मैम मॉक टेस्ट हमें जरूर देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें एक तो टाइम मैनेजमेंट करना आ जाता है, और सर ये भी सिखाते हैं. तो नेहा प्लीज टेल मी, हम हमेशा बोलते हैं कि सीएसएनेट के एग्जामिनेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करना, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, मल्टीपल टाइम्स उनको प्रैक्टिस करना. तो व्हाट डू यू थिंक, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे इस एग्जाम के अंदर? यस मैम, क्वेश्चन प्रैक्टिस से हमारे क्या होता है मैम, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और मॉक टेस्ट से हमें एग्जाम में फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। जितना हम मॉक टेस्ट देंगे उससे हमारा भी रिवीजन होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और टाइम मैनेजमेंट भी होगा। ओके, तो आपने क्वेश्चन कितना प्रैक्टिस करते थे? आप डेली कुछ आपका फिक्स टाइम था, और कहाँ से करते थे? ओके, मैम मैंने IFS से ही PYQ बुक ली थी, और पार्ट बी पार्ट सी के क्वेश्चन प्रैक्टिस की बुक भी ली थी, और लाइव बैच था मेरा, तो मैम उसमें भी रहते हैं क्वेश्चंस, ओके, DPP एंड PYQ भी वहां पर भी मिलते हैं। ओके बाय. उसके अलावा अगर जैसा आपने बताया है कि मॉक टेस्ट में हम लोग टाइम मैनेजमेंट सीखते हैं, तो क्या लगता है आपको कि मॉक टेस्ट देने के बाद मार्क्स तो बच्चा देखेगा ऑफ कोर्स, उसके अलावा उसको और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस टेस्ट के रिगार्डिंग? मैम हमें ना मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि हम उसमें कम भी ला सकते हैं और ज्यादा भी ला सकते हैं मार्क्स। हमें बस यहाँ पर ये देखना है हमारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, हमें चीजें याद रहती हैं या नहीं, क्योंकि पार्ट बी पूरा मेमोरी बेस्ड है। तो मैम मेरे को तो टेस्ट में पार्ट बी में अच्छा ही आता था, तो फिर पेपर में भी मेरा पार्ट बी अच्छा ही गया है। अगर हम बात करते हैं आपके पेपर की, ए बी एंड सी सेक्शन, मॉक टेस्ट में या फिर फाइनल एग्जाम में आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी कि किस सेक्शन से स्टार्ट करें, किस सेक्शन पे आके खत्म? मैम मैं मॉक टेस्ट में पार्ट सी से स्टार्ट करती थी, तो मैंने वही स्ट्रेटेजी अपनाई वहां पर भी, पार्ट सी पार्ट बी एंड पार्ट डी। रफली आपको कितना टाइम लगता था एक एक सेक्शन के लिए? मैम मॉक टेस्ट में भी मुझे 1 आवर्स पहले ही मेरा कंप्लीट हो जाता था, प्री प्रैक्टिस मेरी मेंटेन रही एग्जाम में भी, और एग्जाम में भी इस बार मेरा 1 आवर्स पहले ही हो गया था एग्जाम। लेकिन मैम क्या मैंने एक बात है, गलती की, मैं रिव्यू नहीं करती थी, एक एक घंटा जो रहता था ना मैं उसे छोड़ देती थी, और ऐसे ही फिर मुझे एग्जाम में भी यही रहा, मैंने रिव्यू नहीं किया, जिससे मुझे बहुत सिली मिस्टेक हुई है क्वेश्चंस में। ओके, फर्दर जैसा आपने बताया है कि आपने बहुत जल्दी से सारा पूरा पेपर सॉल्व कर लिया था, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्योंकि बच्चों को हमेशा बहुत स्ट्रगल करते हैं बच्चे, उनको 3 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपने ऐसी क्या एक्स्ट्रा चीज की है कि आप इतने जल्दी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे थे? मैम एक तो मैंने मॉक टेस्ट बहुत दिए हैं, सबसे ज्यादा मॉक टेस्ट दिए हैं, वहां से प्रैक्टिस हो गया था, और वहां पर भी मैंने अपने ज्यादा इंटेलिजेंट बनने की कोशिश नहीं की कि मुझे एक्सपेरिमेंट क्वेश्चन ही करने हैं, क्योंकि सर बोलते हैं कि हमें वहाँ इंटेलिजेंट नहीं बनना है, हमें वहाँ वो क्वेश्चन करने हैं जो टाइम कम ले और इजी हो सॉल्व। मुझे लगता है जैसे कि क्वेश्चन इजी करो, डिफिकल्ट करो, 4 नंबर ही मिलने हैं. मैम वहां नहीं देखेंगे, रैंक नहीं बढ़ेगी उससे हमारी कोई। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट चॉइस कि उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया जाए जो कम टाइम लेगा, और ये ढूंढना ऐसे क्वेश्चंस को, ये एक स्ट्रैटेजी होती है, ये एक ट्रिक होता है जो आप लोग ने, मुझे लगता है कि टेस्ट के दौरान आप लोग ने सारी चीज सीख लेनी चाहिए कि कैसे हम लोग इन क्वेश्चंस को ढूंढ के सॉल्व कर लिया. दैट्स हाँ जी हाँ वंडरफुल जी डियर. ओके, अगर हम बात करते हैं पार्ट सी के क्वेश्चंस की, तो आपको किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पसंद आते थे, जो आपके मेमोरी बेस्ड होते थे या फिर एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस, आपकी चॉइस क्या है? मैम, मेमोरी बेस्ड मुझे ज्यादा अच्छा लगता था, मैं उनको जल्दी इजीली कर लेती थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है करने में। लेकिन मैम मैंने PYQ में उनकी भी प्रैक्टिस किया है, क्योंकि नहीं कह सकते ना मैम कब कैसे क्वेश्चन आ जाए। यस, हो सकता है कि हम तैयारी करके जाए मेमोरी बेस्ड की, बट एक हाथ को ऐसा पॉइंटर आ जाए जो हम नाम शायद फर्स्ट टाइम पढ़े, तो दिक्कत हो सकती यस है. मैम दैट्स वंडरफुल. मुझे बात जान के बहुत खुशी हो रही है डियर कि आपने दोनों टाइप के क्वेश्चंस देख के रखे थे कि मुझे ये भी आना चाहिए, मुझे ये भी आना चाहिए, एंड आपको पता था कि आपका प्रेफरेंस मेमोरी बेस्ड है बिकॉज कम टाइम लेगा और वो आपकी स्ट्रेंथ है. तो दैट्स यस मैम वंडरफुल. आई थिंक एवरी स्टूडेंट शुड नो देयर स्ट्रेंथ, देयर वीकनेस. कुछ
कुछ लोगों का हो सकता है एक्सपेरिमेंटली वो ज्यादा अच्छे से कर पाए, कुछ हो सकता है जिन बच्चों का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से हो पाए, तो आपको अपने बारे में वो चीज पता होनी चाहिए एंड अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डू योर प्रिपरेशन एंड गिव द टेस्ट अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। दैट्स वंडरफुल। यस बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, बात करते हैं हमारे पार्ट ए की विच इज द एप्टीट्यूड पोर्शन। तो व्हाट अबाउट दैट पार्ट, आपने उसको अच्छे से पढ़ा था अलग से, कैसे पार्ट ए को टारगेट किया आपने? मैम, मैंने IFS से ही पढ़ा था वो सब, और लास्ट में एक सेशन होता है वन डे, मैम वो कंप्लीट किया था और उससे बहुत क्वेश्चंस आए थे। मैंने ऐसे स्पेशली कोई टारगेट नहीं किया था पार्ट ए। मतलब भरोसा करके सर जितने चीजें बताएंगे, जितने फॉर्मूलाज बताएंगे उतने पढ़ लो, आपके वहां से सॉल्व हो जाएंगे, करेक्ट? मैम एक तो ये रहता है ना मैम कि पता नहीं टाइम बचेगा या नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम टारगेट किया था उसको, लास्ट में देखा था सेशन। अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन के तो बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है, कभी कभी हमारा दिन अच्छा नहीं होता है, कभी चीजें याद नहीं होती है, कभी पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता है, कभी टेस्ट दिया तो नंबर नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा लो फेज भी आता है उसकी प्रिपरेशन की जर्नी में। तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था? यस मैम, बहुत होता है, बहुत होता भी था, अब भी होता है। तो हाउ टू डील विथ इट, आप क्या करते थे उस? मैम मैं अपने जीजू को फोन घुमाती थी, जीजू दीदी और एक मेरी बहन है वंदना, उन हाँ तीनों को फोन घुमाती थी। वो ओके फिर मुझे स्टेबल करते थे कि नहीं, जब करना है तो फिर डरना ही क्या है। वंडरफुल। आई थिंक दैट्स, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है कि आपके पास ऐसे अच्छे लोग हैं जिनसे बात करके आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हो एंड यू लाइक यू कैन कंटिन्यू योर प्रिपरेशन। दैट्स और वंडरफुल। माइंड में ये भी आता था कि हमारे फैकल्टी इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैम देखा है एग्जाम मैपिंग में कंप्लीटली मतलब पानी भी नहीं पीते, पढ़ाते रहते हैं कंटिन्यू, तो मैम इम्प्रेशन बहुत लगती है। यस हाँ, मैंने भी देखे हैं विशाल सर के वो सेशंस जो बिल्कुल नॉन मैम, स्टॉप सर खड़े रहते थे, पढ़ाते रहते थे, और मुझे लगता है बच्चे वो चीज देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि अगर सर हमारे लिए इतने एफर्ट्स ले सकते हैं कि पहले पीपीटी बनाए उसके बाद उसको आपको एक्सप्लेन करें, तो बच्चा बहुत मोटिवेट डेफिनेटली होता है। एंड ये बहुत यस अच्छी बात है कि आप इन चीज़ों को एक्नॉलेज कर रहे हो। दैट आई थिंक वही एक चीज होती है जो टीचर्स को चाहिए होती है बच्चों से कि पढ़ो एंड आपने वो चीजें की। दैट्स ग्रेट। यस थोड़ा बात करते हैं यूनिट, जो आपके 13 यूनिट्स के बारे में, आपने कितने यूनिट्स टारगेट किए थे? मैम, मैंने कंप्लीट तो 11th किए थे और एनिमल फ्यूचर मैंने छोड़ दिया था, और डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ मैंने मतलब प्लांट बैकग्राउंड से हूँ तो बस प्लांट प्लांट क्या किया था। मतलब आपने 11 यूनिट्स को अच्छे से टारगेट किया है, एनिमल वाला पार्ट कंप्लीटली छोड़ा था, डाइवर्सिटी का आपने कुछ आधा पोर्शन शायद कंप्लीट। तो आई थिंक आपने बहुत सारा सिलेबस कवर किया था, 11 यूनिट्स को प्रिपेयर करना इट्स नॉट लाइक वेरी इजी टास्क। अगर हम बात करते हैं इन 11 यूनिट्स की, तो कौन से यूनिट्स आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगे हैं? मैम मॉल बायो जो होती है पढ़ने में तो अच्छा मजा आता है, बट क्वेश्चंस नहीं हो पाते, बहुत डिफिकल्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवोल्यूशन भी मैम अच्छा है, उससे हम इजी कर सकते हैं, एंड डेव बायो तो मैम मुझे इजी लगा। तो बीइंग अ बॉटनी बैकग्राउंड स्टूडेंट, आपको डेव बायो क्यों अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा? बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि टॉपिक थोड़ा सा जूलॉजी वालों को पसंद आना चाहिए, कैसे? मैम एक्चुअली विशाल सर मैम मेरे मतलब इंस्पायर उनसे ही हुई हूँ, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं और चीजें बार बार जब हम रिवाइज करते हैं ना तो हमारे माइंड में बैठ जाती है, और वो थोड़ा मेमोरी बेस्ड भी है डेव बायो। बिल्कुल। आई थिंक अगर आपने थोड़े वो जीन्स को अच्छे से याद रख लिया कि भाई ये सेट ऑफ जीन्स ये बनाएंगे, ये सेट ऑफ जीन्स ये बनाएंगे, तो क्वेश्चंस आपके वहीं से आएंगे, बस उन्हीं में पूछा जाएगा लॉस ऑफ फंक्शन, गेन ऑफ फंक्शन, यू कैन सॉल्व देम इजी। वंडरफुल। और क्वेश्चन भी कंफर्म ही है, आई मतलब कुछ स्पेसिफिक एरिया है कि आना ही है वहां से क्वेश्चन, तो मैम इसलिए मैंने ज्यादा टाइम दिया। वंडरफुल। अगर कोई स्टूडेंट है जिनका बॉटनी बिल्कुल ना हो, उनको अगर प्लांट फिजियोलॉजी पढ़नी है, तो व्हाट वुड यू सजेस्ट कि उन्होंने प्लांट फिजियो कितना करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए? मैम प्लांट फिजियोलॉजी में हाँ मेटाबॉलिज्म जो होता है मैम, और कुछ पाथवेज हैं,
ओके okay. मैम फाइटोक्रोम्स वहां से क्वेश्चन आना ही है, सेंसरी बायोलॉजी जो है मैम, थोड़ा ओके okay. सेकेंडरी मेटाबोलाइट टफ होता है लेकिन मैम आता ही एक क्वेश्चन। आई थिंक आपने कुछ तीन चार तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज ध्यान रखें इन टॉपिक्स को, आपने डेफिनेटली टारगेट करना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर यहाँ से भी दे सको। अदर देन दैट ईयर एग्जाम बहुत बार होता ये है कि हम लोग बहुत पढ़ाई करते हैं बट एग्जाम हॉल में जाके वो जो 3 घंटे का टाइम होता है ना, उस टाइम हम अपना बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, प्रेशर होता है और कोई चीजें होती है, तो उससे कैसे डील करें, हाउ टू डील दैट प्रेशर। मैम प्रॉब्लम तो मुझे भी हुई थी बहुत, क्योंकि एक थर्ड अटेम्प्ट था मेरा, और लेकिन सर की बातें याद करती थी ना तो मुझे हिम्मत मिलती थी कि नहीं करना ही है, जब ये लाइन चूज कर लिया है तो पढ़ना तो है ही, और यहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस दूंगी तभी रिजल्ट भी आएगा, अगर यहाँ पर नर्वस हो गई तो फिर नहीं चलेगा काम। ओके वंडरफुल। इसके अलावा आपका कोई प्लान है दूसरे एग्जाम टारगेट करने का, या आपने दिया है कोई? यस मैम मैंने इस बार फॉर्म भरा है गेट का, एंड मैम बार्क भी दूंगी मैं एग्जाम। ओके वंडरफुल। फ्यूचर में क्या ड्रीम रखते हो, आपको क्या बनना है? मैम प्रोफेसर लाइन में ही जाऊंगी, अभी मैंने पीएचडी ज्वाइन करना सोचा है। तो आपको टीचिंग करनी है अभी? यस मैम ओके दैट्स अ वंडरफुल थिंग। तो थोड़ा रैप अप करते हैं इंडिया, बताइए किस किस को आप डेडिकेट करते हो या सक्सेस, थैंक यू बोलोगे फॉर दिस? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल माय पेरेंट्स हमेशा मेरे साथ रहे हैं, फैमिली मेरी, मेरे फ्रेंड्स एंड फैकल्टीज, और स्पेशली थैंक जीजू दीदी एंड वंदना। ओके वंडरफुल। और आपकी तरफ से कोई मैसेज, जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे फॉर सीएसआई नेट, उन्होंने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? मैम पहले तो हमें अच्छे से ही पढ़ना चाहिए, मतलब मन बना लेना चाहिए कि अगर हमें ये करना है तो डिफिकल्टीज तो आएंगी ही लाइफ में, तो टैकल करना है, और जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उन पर बस विश्वास करना है, क्योंकि हम क्या करते हैं एक से प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे चले जाते हैं, ये नहीं करना है, एक प्लेटफॉर्म पर विश्वास रखना है, उसी से ही पढ़ना है और उसको ही चीजों को रिवाइज करते रहना है डे बाई डे। यस और मैम मॉक टेस्ट जरूर देने हैं। ओके वंडरफुल। आई थिंक बहुत अच्छी बात बोली है आपने, ट्रस्ट करो और एक को ही फॉलो करो, अगर आप 4 जगह से पढ़ोगे तो आप कंपैरिजन ऑटोमेटिकली करोगे और आप कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं हो सकते हो फिर, तो ट्रस्ट वन प्लेटफॉर्म, स्टडी विद देम, लर्न विद देम, एंड यस जैसे कि नेहा ने बताया है प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी मॉक। और जो उन्होंने बताया था शुरुआत में कि जो उन्होंने गलती की थी कि पहले थोड़े से कम यूनिट्स टारगेट किए थे, तो अगर आपको ऑप्शन रखना है कि भाई हम वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस टारगेट कर सके तो थोड़े से ज्यादा यूनिट्स को आपने प्रिपेयर करना। थैंक यू सो मच नेहा फॉर ज्वाइनिंग, मजा आया आपसे बात करके, आई थिंक हमारे बच्चे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड होंगे आपकी बातें सुन के, वो भी ज्यादा यूनिट्स को टारगेट करेंगे आपकी तरह, तो ऑल द वेरी बेस्ट। आई रियली विश कि आपका जो एम है टू बिकम प्रोफेसर बहुत जल्दी सक्सेस हो जाए, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। थैंक यू मैम। एंड टू ऑल द अदर एस्पिरेंट्स आउट देयर, कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एग्जाम बिल्कुल पास में, स्टडी वेल, गिव मोर एंड मोर मॉक टेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।